हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले इंडियन रेलवे के बारे में। इंडियन रेलवे में काफी कुछ बदलाव किया गया है। इसमें जो एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज मुझे लगा वो आप सभी के साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो जैसा कि कहीं पे अगर जाना होता था तो आप जो है जनरल टिकट ऑनलाइन बुक कर लेते थे, वो अब बिल्कुल बंद हो चुका है। आप पहले की तरह आपको जो है अगर आप जनरल टिकट बुक करना चाहते हो तो आपको रेलवे काउंटर से ही टिकट कटवाना पड़ेगा। और कोरोना काल से पहले जो नियम था कि अगर आप जनरल टिकट कटाते हो तो वहाँ पे जो कोई लिमिट नहीं होता था बैठने का, जितना मर्जी उतना वो उस जनरल टिकट में आप जो है यात्रा कर सकते, पूरा होने तक का जगह नहीं रहता था। तो ठीक उसी तरीके से अब आपको फिर से जनरल टिकट में यदि आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको उसी तरीके से आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। जनरल टिकट जो है बिल्कुल ऑनलाइन से हटा चुका है, वो आप बुक नहीं कर पाइएगा। तो यहाँ पे आपको हम लाइव प्रूफ दिखाने वाले। तो सबसे पहले हम गूगल क्रोम में आ चुके हैं। गूगल क्रोम में आने के बाद सिंपली आप जैसे IRCTC टाइप करते हैं उसी तरीके से आपको टाइप कर देना है। तो यहाँ पे आपको फॉर्म और टू सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे कोई भी हम एक स्टेशन जो है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको लाइव प्रूफ दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम डेट सेलेक्ट कर लिए, सर्च के ऊपर में क्लिक कर दिए। अब यहाँ पे देखिए कि स्लीपर का है और यहाँ पे जनरल ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप यहाँ पे जनरल ऑप्शन चेक कीजिएगा तो आपको नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर के आप जो है जनरल टिकट ऑनलाइन बिल्कुल भी नहीं बना सकते। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन यदि आपको सही लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि और भी नए नए अपडेट आपके लिए लाता रहूँ।